मैं हूं क्राइम मदारी। साइबर सिटी की पुलिस को जोर का झटका। भरी भीड़ में शराब के ठेके से कैश लूट ले गए हथियारबंद बदमाश। सेल्समैन से की मारपीट, चलाई गोली। अब जांच में जुटी है अपनी पुलिस जी। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इसकी बानगी बीती रात एक बार फिर देखने को मिली। ये दो बदमाश हथियार लेकर शराब के ठेके में घुसे और सेल्समैन से मारपीट और गोली चलाकर डराने के बाद दिन भर का कैश लूटकर आसानी से हो गए फरार। कावड़ यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने में बिजी अपनी पुलिस जी हर बार की तरह बाद में लकीर ही पीटती दिखी। लूट की ये वारदात करीब रात 11 बजे की है, जब बख्तावर चौक पर स्थित शराब के इस आलीशान ठेके पर पूरी गहमा गहमी थी। आप ही देखिए, सुराग के शौकीन यहां अपनी रात के इंतजाम में बिजी थे और इसी बीच ठेके में घुसते हैं दो हथियार बंद बदमाश। एक ने लगाया है मास्क तो दूसरा चेहरे पर कपड़ा बांधे है और दोनों के हाथ में है गन और गन प्वाइंट पर ले लेते हैं सभी सेल्समैन को। एक सेल्समैन अशोक जो हल्का ही विरोध करता है, जिस पर एक बदमाश उसकी छाती पर पट से करता है। सीसीटीवी में कैद हुआ ये पूरा वाक्या वास्तव में दहशत भरा है। और फाइनली दोनों बदमाश ठेके से दिन भर का जमा कैश लेकर हो जाते हैं फरार। और हम सेल कर रहे थे, मैं यहाँ खड़ा था, दो हमारे बंदे सेल कर रहे थे काउंटर पे। दो बंदे आए, एक यहाँ खड़ा हो गए, वहाँ के दोनों ने हमारे ऊपर पिस्तौल तान दी, एक सामने की इधर। तो मैं सोचा भाई रुपये वगैरह होंगे, मैंने उनको मंगवा रहने दे रहने दे। इतनी देर में उसने मेरे यहाँ से जोर से मार दी छाती में बट की। फिर दूसरे वाले ने फायर कर दिया, ये इधर दो भग गए। फिर वो बोला भाई कैसे वैसे जोर से चिल्ला, फिर ये अंदर भग गए। फिर उन्होंने जोर जोर से चिल्लाया, गले की तरफ भग गए। फिर मैंने वहाँ जा के मंगे पैसे ले लूँ, गोली भी तो चला रहे हो। फिर वो पैसे बटोर के जेब में डालने लगे। फिर मैं इधर से स्कट के पीछे से निकल गया, तारे ले गए, गला साफ कर गए। अब जनाब इस घटना के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि साइबर सिटी की पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था कैसी है। हाँ, अब सेल समैन अशोक कुमार की शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने दर्ज कर लिया है मामला और शुरू कर दी है तफ्तीश, लेकिन बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं। तो साहेबान, भरी भीड़ में हथियार बंद बदमाशों द्वारा ठेके पर लूट को अंजाम देने की ये घटना अपनी पुलिस जी के लिए किसी सबक से कम नहीं। अब देखना होगा इस घटना से क्या सबक लेगी अपनी पुलिस जी और क्या उठाएगी सुरक्षा के नए कदम, और कब तक होंगे ये लुटेरे गिरफ्तार। तो करिए इंतजार और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट न पाए।